सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉगर के अंदर कुकीज नोटिफिकेशन बार को कैसे लगाएं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कुकीज नोटिफिकेशन होता क्या है। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर आपको एक कुकीज नोटिफिकेशन बार दिखाई देती है। ये नोटिफिकेशन बार आपको वेबसाइट के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या फिर किसी कॉर्नर में दिखाई दे सकती है। और यदि आपके पास एक ब्लॉगर अकाउंट है और आप ब्लॉगर को यूज करते हैं तो आपको आपके ब्लॉगर के ऊपर यहाँ पे एक नोटिस दिखाई देता है। इस नोटिस के अंदर आपको बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन लॉ के अनुसार आपको आपके ब्लॉगर के अंदर कुकीज नोटिफिकेशन लगाना जरूरी है। तो अब देखिए आप अपने ब्लॉगर के अंदर कुकीज नोटिफिकेशन बार को कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपना ब्लॉग आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस ब्लॉग के ऊपर अभी कोई भी नोटिफिकेशन बार नहीं लगी हुई है। ओके, तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक कुकीज नोटिफिकेशन बार लगा देते हैं। तो देखिए यदि आपके पास ये नोटिस यहाँ पे आया हुआ है ब्लॉगर के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक लर्न मोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। ओके, इस पेज के अंदर आपको कुकीज नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, अब इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पे चेंज द नोटिस के अंदर लर्न मोर ऑन जनरेटिंग कुकीज नोटिस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि ये कुकीज नोटिफिकेशन बार है, ये आपको लगाना क्यों जरूरी है, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ओके, अब देखिए जब आप इसके नीचे चलोगे तो यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताया गया है जिनकी सहायता से आप अपने ब्लॉगर के अंदर कुकीज नोटिफिकेशन बार को लगा सकते हैं। ओके, तो हम इन वेबसाइट में से सबसे पहली जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, अब देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, या फिर देखिए आपको यहाँ पे राइट साइड ऊपर कॉर्नर में भी ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आपको कुकीज नोटिफिकेशन बार दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ से आप अपनी कुकीज नोटिफिकेशन बार को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पोजीशन का, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये कुकीज नोटिफिकेशन बार कहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ओके, तो अभी देखिए ये जो कुकीज नोटिफिकेशन बार है ये यहाँ पे सबसे नीचे शो हो रही है। ओके, यदि आप इसे लेफ्ट साइड में दिखाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए जो कुकीज नोटिफिकेशन बार है ये लेफ्ट साइड में शो हो रही है। ओके, तो इसी तरह से आपकी वेबसाइट में भी ये लेफ्ट साइड में शो होगी। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इसे राइट साइड में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, तो ये राइट में आ गई है। यदि आप इसे अपनी वेबसाइट में सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टॉप का ऑप्शन मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये कुकीज नोटिफिकेशन बार सबसे ऊपर आ गई है। ओके, इसके बाद एक और ऑप्शन है बैनर टॉप पुश डाउन। ओके, अब यदि आप इसको सेलेक्ट करोगे तो देखिए आपके जो नोटिफिकेशन बार है वो अभी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, जब आप वेबसाइट के टॉप में आओगे तो ये नोटिफिकेशन बार आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगी। जब आप यहाँ पे नीचे चलोगे तो यहाँ पे ये हाइड हो जाएगी। ओके, तो आपको जो पोजीशन पसंद हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लेआउट का, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आपको इस नोटिफिकेशन बार का लेआउट सेट करना होता है। ओके, तो आप इन सभी को यहाँ से चेक कर लीजिए, आपको जो लेआउट पसंद हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पैलेट का, यानी कि कलर्स का, तो यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन बार का कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो कलर आपको पसंद हो वो यहाँ से आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, यदि आपको इनमें से कोई भी कलर पसंद नहीं आता है तो देखिए आपको यहाँ पे नीचे और ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बैनर का, यानी कि जो बैनर का कलर है वो आप यहाँ से कैसा रखना चाहते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है बटन का, यानी कि जो बटन है यहाँ पे इसका कलर आप कैसा रखना चाहते हैं। ओके, तो इसका कलर भी आप यहाँ से आसानी से सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे बैनर टेक्स्ट का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं और बटन टेक्स्ट का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं। ओके, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर चार जो ऑप्शन है वो है लर्न मोर लिंक, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब देखिए नोटिफिकेशन बार के अंदर यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस लर्न मोर ऑप्शन के अंदर आप कौन सा लिंक लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की पॉलिसी का जो लिंक है वो लगाइए। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको अपने ब्लॉगर में आना है, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और आपने जो भी पेज बना रखा है प्रिवेंसी पॉलिसी का उसको ओपन कर लेना है और उसका लिंक यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, अभी मैंने कोई भी यहाँ पे पेज नहीं बना रखा है इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं डालने वाला, लेकिन यदि आपने पेज नहीं बनाया है तो आपको पेज बना लेना है और उसके बाद यहाँ पे उस पेज का लिंक डाल देना है। ओके, उसके बाद जो पांचवा ऑप्शन है वो है कंप्लाइज टाइप,
तो इसके अंदर सबसे बेस्ट है कि ये जो पहला ऑप्शन है इसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट रखें, ओके, क्योंकि इस ऑप्शन का काम है कि आप इस नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन देना चाहते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पे गोट इट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा नोटिफिकेशन बार के अंदर, ओके। यदि आप ये सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से पहला ऑप्शन है डिक्लाइन का और दूसरा ऑप्शन है गोट इट का, ओके। तो यदि आप इस ऑप्शन को लगाते हैं तो आपके वेबसाइट पे जो विजिटर है तो वो यदि इसको चाहे तो डिक्लाइन भी कर सकता है, इसीलिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी को आप यहाँ से सेलेक्ट करें, ओके, सबसे बेस्ट यही है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कस्टम टेक्स्ट का। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है इसको आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसकी जगह पे यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ओके। और ये जो बटन का नाम है गोट इट, इसके जगह पे भी आप यहाँ पे नाम इसका चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे ओके भी रख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओके लिख दिया है तो यहाँ पे भी ओके आ गया है। और ये जो ऑप्शन है लर्न मोर, तो इसकी जगह पे भी आप कुछ और लिख सकते हैं, ओके। तो अब हमारी जो कुकीज नोटिफिकेशन बार है वो बन के तैयार हो गई है, ओके। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक कोड दिखाई दे रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको इस पूरे कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसको अपने ब्लॉगर के अंदर लगाना होता है। तो ब्लॉगर के अंदर कैसे लगाना है वो देखिए यहाँ पे नीचे बता रखा है। तो इस कोड को हमें क्लोजिंग हेड टैग के पहले लगाना है, ओके। तो देखिए कैसे लगाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ओके। कॉपी करने के बाद दोबारा से ब्लॉगर में आ जाइए, ब्लॉगर के अंदर आप थीम ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, थीम के अंदर आपको एडिट एचटीएमएल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस एचटीएमएल के अंदर आपको एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एफ को दबा देना है। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एफ दबाओगे तो यहाँ पे एक सर्च बार ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको उस टैग को सर्च करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग हेड टैग टाइप कर देता हूँ, तो आपको भी यहाँ पे इस तरह से क्लोजिंग हेड टैग टाइप करना है, ओके। उसके बाद इसको यहाँ से सर्च कर लेना है, तो सर्च करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से एंटर दबा देना है, ओके। अब जहाँ पे भी एक क्लोजिंग हेड टैग होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे एक क्लोजिंग हेड टैग आ गया है, ओके। तो अब आपको करना क्या है, आपको इस क्लोजिंग हेड टैग के आगे यहाँ पे क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से एक बार एंटर दबा देना है। जब आप इंटर दबाओगे तो इसके ऊपर यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपको इस स्पेस के अंदर यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और जो कोड आपने कॉपी किया है, यानी कि ये जो कोड यहाँ से आपने कॉपी किया है, इसको आपको इस क्लोजिंग हेड टैग के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है क्लोजिंग हेड टैग के ऊपर, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी थीम को सेव कर लेना है। तो थीम यहाँ से सेव हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं कि जो कुकीज नोटिफिकेशन बार है जो हमने यहाँ पे लगाया है वो हमारी वेबसाइट पे सेव होगा या फिर नहीं। तो उसके लिए हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। और देखिए अब यहाँ पे वेबसाइट के सबसे नीचे ये कुकीज नोटिफिकेशन बार सेव होने लगी है, ओके। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉगर के अंदर कुकीज नोटिफिकेशन बार को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक ऑनलाइन सहायता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।